अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन की। तो पाइथन का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बनाना सिखाया था। हमने फंक्शन बनाना सीखे थे। तो फंक्शन हमने बनाना सीखा था, डेफ के साथ फंक्शन आता है। दो फंक्शन मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन वन है और एक फंक्शन टू है। उसके बाद हमने बनाना सीखा था लूप, किस तरह से हम बनाते हैं लूप, बनाना सिखाया था। और हमने एक क्लास बनाई थी, ठीक है। तो आज हम इसी क्लासेस को ही लेंगे। एक क्लास आज हम मजीद बनाना सिखाते हूँ मैं आपको। तो उसमें जरिए से मैं आपको, आप क्लास पर्सन हमने ली है, ठीक है। तो पर्सन में डेफ के साथ इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं। तो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्लासेस बना सकते हैं। तो क्लासेस में हम मजीद क्या कर सकते हैं उसकी मैं अभी एक क्लास और बनाना सिखाता हूँ अभी आपको। तो क्लासेस क्या होती हैं? प्रोवाइड अ मीन ऑफ बंडलिंग डेटा एंड फंक्शनैलिटी ऑटोगेदर, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी कोई क्लास बनाएंगे इसका मतलब है कोई न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अलाउइंग न्यू इंस्टेंस ऑफ दैट टाइप ऑफ टू बी मेड, ईच क्लास इंस्टेंस कैन हैव एट्रीब्यूट्स अटैच्ड टू इट फॉर मेंटेनिंग इट्स स्टेट। क्लास इंस्टेंसेस कैन आल्सो हैव मेथड्स डिफाइंड बाय इट्स क्लास। अच्छा जी, क्लास के मेथड होते हैं जो उसको क्लास को डिफाइन करते हैं। कंपेयर्ड विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन क्लास मैकेनिज्म एड्स क्लासेस विद अ मिनिमम ऑफ न्यू सिंटैक्स सिमेंटिक्स। तो ये तरीकाकार है। तो अभी हम एक क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन बनाना सीखा था। तो सबसे पहले हम फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, दोबारा से ये फंक्शन बनाते हैं। तो राइट क्लिक करके न्यू पाइथन की फाइल बनाते हैं, स्कोप पेस्ट रख लेते हैं इसका नाम। तो इसका नाम स्कोप रख लेते हैं, डेफ स्कोप अंडरस्कोर टेस्ट। डेफ के साथ हम बनाएंगे स्कोप अंडरस्कोर टेस्ट, स्कोप टेस्ट, ठीक है। ये तरीकाकार है फंक्शन को बनाने का, ठीक है। डेफ डू अंडरस्कोर लोकल, डू अंडरस्कोर लोकल लिखिए है। अच्छा, स्पैम स्पैम चेक करेगा इज इक्वल टू लोकल स्पैम, ठीक है। लोकल स्पैम ये तरीकाकार है। डेफ डू नॉन लोकल, डेफ डू अंडरस्कोर नॉन लोकल, ये फंक्शन है, ये क्या चेक करेगा? नॉन लोकल, नॉन लोकल इज नॉन लोकल स्पैम को देखेगा। तो उसके बाद हम कहेंगे स्पैम इज इक्वल टू नॉन लोकल स्पैम, ठीक है जी। ये तरीका क्या है इसका? फिर एक फंक्शन नॉन लोकल स्पैम, फिर डेफ डू ग्लोबल, फिर एक और बनाएंगे हम डेफ अंडरस्कोर डू, डेफ डू अंडरस्कोर ग्लोबल, ठीक है। सॉरी, अच्छा उसके अंदर हम ग्लोबल स्पैम, ठीक है। और स्पैम इज इक्वल टू ग्लोबल स्पैन, ये हम लिखेंगे, ठीक है। स्पैन इज इक्वल टू टेस्ट स्पैन डू अंडरस्कोर लोकल, ठीक है। अब हम कहेंगे प्रिंट आफ्टर लोकल असाइनमेंट, आफ्टर लोकल असाइनमेंट असाइनमेंट, ठीक है, कॉमा स्पैम, कॉमा स्पैम, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, फिर हम कहेंगे डू अंडरस्कोर नॉन लोकल, डू अंडरस्कोर नॉन लोकल, फिर प्रिंट करेंगे आफ्टर नॉन लोकल, आफ्टर नॉन लोकल असाइनमेंट, ठीक है, कॉमा स्पैम,
ठीक है। अच्छा उसके बाद हम कहेंगे डू ग्लोब, डू अंडरस्कोर ग्लोब ग्लोबल, ये आ जाएगा प्रिंट आफ्टर ग्लोबल असाइनमेंट, आफ्टर ग्लोबल सॉरी इनवर्टेड कॉमा में आएगा आफ्टर ग्लोबल असाइनमेंट, ठीक है कॉमा स्पैन, ठीक है। स्कोप अंडरस्कोर टेस्ट नीचे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, स्कोप अंडरस्कोर टेस्ट प्रिंट इन ग्लोबल स्कोप, नीचे करेंगे प्रिंट इन ग्लोबल स्कोप कॉमा स्पैन, ठीक है। अब इसकी हम इंडेंटेशन वगैरह को देखते हैं और कोई मसला ना हो तो, ये चल गया जी। आफ्टर लोकल असाइनमेंट टेस्ट स्पैम, आफ्टर नॉन लोकल असाइनमेंट नॉन लोकल स्पैम, आफ्टर ग्लोबल असाइनमेंट नॉन लोकल स्पैम, इन ग्लोबल स्कोप ग्लोबल स्पैम। ये तरीकाकार है जी फंक्शन को बनाने का। हमने दो तरह के फंक्शन बनाए, तीन तरह के फंक्शन है। ये स्कोप टेस्ट करेगा लोकल स्पैम, इफ नॉन लोकल स्पैम टेस्ट करेगा, और ग्लोबल स्पैम, ये तीन फंक्शन है। इन तीन फंक्शन को नीचे हमने कॉल किया है, स्पैम इज इक्वल टू टेस्ट स्पैम, डू लोकल प्रिंट आफ्टर लोकल असाइनमेंट स्पैम, डू नॉन लोकल आफ्टर नॉन लोकल असाइनमेंट स्पैम, और डू ग्लोबल प्रिंट आफ्टर ग्लोबल असाइनमेंट स्पैम। ये इस तरीके का इसको करेगा ये फंक्शन। आई थिंक ये आप अंडरस्टैंड किया, नीचे फंक्शन को हमने कॉल किया है। स्कोप अंडरस्कोर टेस्ट का मतलब होता है कि हम इस फंक्शन को नीचे कॉल कर रहे हैं, ठीक है जी। सो अब हम ये फंक्शन से ही हम आगे रिट्रीव करेंगे अपने लेक्चर को क्लास की जाने। क्लास का नाम आता है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट एन, ठीक है जी। तो कोई भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, क्लास कोई भी देना चाहें तो उसके ज़रिए से आप बना सकते हैं। काउंटर की दे सकते हैं, क्लास कैट की बना सकते हैं, क्लास डॉग बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें। मिसाल के तौर पर मैं कैट क्लास बना देता हूँ न्यू पाइथन फाइल, जिसका नाम रख देते हैं कैट, ठीक है क्लास कैट, ठीक है कैट आ गया। काइंड इज इक्वल टू केनाइन, ठीक है। डेफ के साथ हम इसको करेंगे, डेफ इट सेल्फ कॉमा नेम, सेल्फ के बाद आ जाएगा कॉमा नेम इसका आ जाएगा कॉलन, ठीक है जी। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अच्छा जी ये आ गया, टी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कैट का नाम लिख लेते हैं फाइडो, ठीक है। ई इज इक्वल टू कैट बडी, फिर डी डॉट काइंड ठीक है जी। इस तरह से हम इसको चला सकते हैं। सो अभी हम इसको यहां से प्रिंट करते हैं तो कैट को हम रिटर्न कराएंगे। तो सेल्फ डॉट नेम प्रिंट हम करना चाहें यहाँ पर, प्रिंट एट नेम ठीक है कॉमा नेम, ठीक है ठीक है जी। तो कैट का नाम हमने प्रिंट करा दी। इस तरह से आप बेसिकली क्लास बना सकते हैं। सो क्लास डॉग की बना सकते हैं और क्लास स्कोप ये फंक्शन थे और ये मैंने आपको कैट की क्लास बनाना सिखाई। तो एक क्लास और बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका काफी ज्यादा काम है, ठीक है जी। तो उसमें क्लासेस आप बना सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में।
इसमें आप जैसे मर्जी लिस्ट करना चाहें इसको, एट्रीब्यूट को, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लास का नाम ले रहा हूँ, क्लास बाइक ले लेते हैं, गियर होते हैं, बाइक का फंक्शन कार की ले सकते हैं, तो जिस तरह भी आप बनाना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लास एक बाइक की बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल, इसका नाम रख देता हूँ बाइक, BIK बाइक। अच्छा, क्लास बाइक, ठीक है, और नेम इज इक्वल टू, खाली छोड़ रहा हूँ मैं इसको, और गेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इंटीजर में चला गया। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, अब क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है, उसके लिए हम बाइक 1 इज इक्वल टू बाइक, ये फंक्शन आ गया, ठीक है, और एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड असाइनमेंट्स, एक्सेस एट्रीब्यूट एंड असाइनमेंट, इसके जरिए बाइक 1.gear, बाइक 1.gear इज इक्वल टू 11, बाइक 1.name इज इक्वल टू माउंटेन बाइक, ठीक है। अच्छा, हम प्रिंट करते हैं इसको, एफ नेम, नेम कॉलन, बाइक 1.name, नेम, ठीक है, कॉमा गियर्स, कॉलन, बाइक 1.gear, गियर, ठीक है जी, इस तरीके से प्रिंट करेंगे इसे। सो बाइक 1. इक्वल टू बाइक, थोड़ा सा इसमें इंडेंटेशन के इश्यूज होते हैं, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन में हमें सेट करना पड़ेगा, इसकी इंडेंटेशन इश्यूज आते हैं जो कि अभी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। आगे माउंटेन बाइक गियर 11, यानी कि ये क्लास बाइक हमने बनाया, गियर 0 बाइक 1.bike, create object of class bike 1 is equal to bike, access attributes and assignment bike 1.gear 11 bike 1.name mountain bike, या इसका नाम आप कुछ भी रख दें, Honda CT 70, ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं, अगेन Honda CT 70 bike gear 11। तो इस तरह से ये क्लासेस बनाने का तरीका कार मैंने सिखाया, तो आप कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में पर्सनली आके सुबह 9 से 11 पढ़ सकते हैं, सैटरडे संडे फुल डेज हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आप, आई थिंक आपको ये क्लास कैट की भी बनाना सिखाई मैंने, बाइक की, उसके बाद स्कोप हमने सीखे, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप और स्पैम को टेस्ट किया हमने। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।